नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने मंगलवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। अपनी सटी की यॉर्कर के लिए मशहूर 38 साल के मलिंगा 2014 में T20 विश्व कप जीतने वाली श्रीलंका की टीम के कप्तान रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर संन्यास लेने के फैसले की घोषणा की। जर्मन फुटबॉल खिलाड़ी डेनिस अर्डमैन पर तीसरे डिवीजन लीग मैच के दौरान खिलाड़ी पर नस्लवादी टिप्पणी करने के कारण 8 सप्ताह का प्रतिबंध लगा दिया गया। मातेबर्न के खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि अर्डमैन ने पिछले महीने उनके खिलाफ सार ब्रकेन की ओर से खेलते समय नस्लवादी शब्दों का प्रयोग किया। हरियाणा की लड़कियों की हैंडबॉल टीम ने लखनऊ में रविवार को संपन्न हुई 44वीं जूनियर गर्ल्स राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। हरियाणा हैंडबॉल वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव जुगमिंद्र शोक्यंत ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों की हैंडबॉल टीमों ने भाग लिया। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा को सोमवार को सर्वसम्मति से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया, जो एहसान मनी की जगह अगले 3 साल तक यह पदभार संभालेंगे। यह रमीज का पीसीबी के साथ दूसरा कार्यकाल होगा। वह 2003 से 2004 तक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। बोर्ड की विशेष बैठक की अध्यक्षता पीसीबी के चुनाव आयुक्त जस्टिस शेख अजमत सईद ने की। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड का मामला आगे की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया है। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार इस मामले में आरोपी है। सोमवार को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने अदालत ने सुशील और अन्य के खिलाफ हत्या प्रकरण, अपहरण, साजिश के आरोपों के तहत दाखिल आरोपों पर पत्र पर संज्ञान लेने के बाद के सत्र न्यायालय को सौंपा। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भारत के खिलाफ हाल में संपन्न टेस्ट श्रृंखला में शानदार बल्लेबाजी की। बदौलत स्टार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन आफरीदी को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अगस्त माह के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। महिला वर्ग में आयरलैंड की ऑलराउंडर एमिया रिचर्डसन को माह की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पिछले 52 साल में कैलेंडर वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने का नोवाक जोकोविच का सपना दानिल मेदवेदेव ने तोड़ दिया, जिन्होंने अमेरिकी ओपन फाइनल में दुनिया के इस नंबर एक खिलाड़ी के अश्वमेधी अभियान पर नकेल कसी। मेदवेदेव ने आश्चर्यजनक रूप से एक तरफा रहे फाइनल 6-4, 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही जोकोविच का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। उसने रोजर फेडरर और राफेल नडाल के समान 20 ग्रैंड स्लैम खिताब है। खेल समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।